26 मई बृहस्पतिवार अलीपुर द्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री जॉन बारला एवं भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेटसोप नामगेक एवं भूटान के आर्थिक सलाहकार सुश्री प्रेम विधा के बीच राजधानी दिल्ली में स्थित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में आज भारत भूटान के विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक हुई। इस विषय की जानकारी आज दूरभाष से केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री जॉन बारला ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कोरोना महामारी के बाद के कई मुद्दे के विषय में भूटान राष्ट्र के प्रतिनिधियों से सकारात्मक बातचीत हुई। बैठक में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेटसोप नामगेक ने बताया, भूटान वास्तव में सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों को हल करने एवं कुछ ही महीने में भूटान गेट को खोलने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। आगामी 2022 के दुर्गा पूजा से पहले भूटान गेट खुलने की पूरी तरह से संभावना है। साथ ही उन्होंने भूटान के साथ भारत के संबंध की भी चर्चा करते हुए बताया, भारत भूटान के संबंध प्रेरणादायक संबंध है जो हर साल यथावत बना रहेगा। नई दिल्ली में हुई भूटान के राजदूत एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के बीच बैठक में आगामी दुर्गा पूजा से आगे भूटान गेट खोलने की जानकारी साझा की है। इस समाचार से सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे व्यवसायी एवं आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जॉन बारला की पहल की काफी स्वागत करते हुए धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। देखते रहिए एनएआई डॉट न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। The same amount of proportion which is increasing for international should increase for Indian and Bangladesh members.